चलिए जय हिंद। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है अगर हिंदी में बात किया जाए तो, देख सकते हैं हिंदी सप्रसंग व्याख्या, जैसे इंग्लिश में आपका लाइन एक्सप्लेनेशन होता है ना, बस उसी तरह से आपका सप्रसंग व्याख्या भी करना रहता है, ठीक है। आपके दोनों जैसे कैसे आप इंग्लिश में जैसे प्रोज से और पोएट्री से करते हो तो इसमें भी वही बात है। आइए हम लोग समझते हैं, हमने तीन क्वेश्चन लिया है जो बार बार ये पूछा जाता है, हालांकि इससे ज्यादा भी आपको पढ़ना पड़ेगा अभी, इतना में ही से नहीं कि मतलब इतना पढ़कर और सभी का सभी हम पूरा का पूरा कराने वाले हैं। आज सिर्फ ये बताएंगे कि इसको आपको करना कैसे है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो आपका व्याख्या रहता है ये भी बता दे कि चार आता है बिल्कुल उसी तरह, कितने मार्क्स का होता है जी, 4 मार्क्स का, ठीक है ना, 4 मार्क्स का, 4 to 8 marks का ये भी रहता है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला हमने लिखा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो ये जो आप चैप्टर पढ़े होंगे बातचीत, ठीक है ना, बातचीत यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी का ये लाइन है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में व्याख्या करते होंगे ना वैसे ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अपना नियम रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है जी, चैप्टर का नाम लिखना है, क्या लिखना है जी, चैप्टर का नाम लिखना है, फिर आपका लेखक, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि जो ये प्रस्तुत गद्यांश है ना ये बातचीत से लिया गया है, ठीक है ना, ये बातचीत से लिया गया है। और इसको लिखे कौन है जी, तो बालकृष्ण भट्ट, कौन लिखे माय डियर स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि मतलब बात करने के नियम के बारे में बताते हैं कि बात करने का हमारा शैली क्या होना चाहिए। यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो मतलब इसमें बताते हैं कि क्या हमारा बातचीत करने का वैल्यू क्या होता है हमारे जीवन में, ठीक है। वही बात कहा जा रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, यानी जब तक मनुष्य बोलना नहीं जानता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तब तक हम उसके गुण को या उसके दोष को मतलब उसके गलती को हम लोग जानते ही नहीं है। अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे चीज है, जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत सारे चीज का इसमें व्याख्या है। आप उस व्याख्या को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपका लाइन में कहा जा रहा है इस चीज को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं जैसे आपका पहला क्या जी, चैप्टर नेम हमने बताया, दूसरा आपका चैप्टर नेम पाठ का नाम, ठीक है, दूसरा आपका लेखक का नाम, ठीक है ना, और तीसरा जो भी आपका लाइन है सच है जब तक मनुष्य मतलब इन पंक्ति से वह यह कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, हम पूरा बता दे रहे हैं, तब तक उसका उसमें क्या गुण है या उसमें क्या दोष है, क्या गलती है, इसका पता नहीं चलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमने लिखा है, नर नारी पूर्ण रूप से समान है, मतलब समान है, एक जैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अर्ध नारीश्वर, अर्ध आधा नारीश्वर आधा नर, आप पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे, ठीक है ना। मतलब ये जो आपका पंक्ति है ये कौन से गद्यांश से लिया गया है जी, तो ये हमारा अर्ध नारीश्वर। अच्छा, इसके लेखक कौन है जी, रामधारी सिंह दिनकर। इसके मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, नर नारी पूर्ण रूप से समान है, कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, और किस किस मामले में वो समान है आप चैप्टर पढ़े होंगे आपको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं अपुण्य है, अपुण्य का मतलब समझते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं है। ये भी आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से पार्ट, ये भी पंक्ति आपके कौन से गद्यांश से लिया गया है, निम्नलिखित ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो दिया हुआ मतलब पंक्ति है ना, जो दिया हुआ गद्यांश है ये अर्ध नारीश्वर पाठ से लिया गया है, ठीक है ना, अर्ध नारीश्वर से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है जी, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, उनका जन्म और मरण ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, उसमें ये आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जिस पुरुष में मतलब इस लाइन से यही कहना चाहते हैं कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं है, मतलब जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वो अपुण्य है। अपुण्य का मतलब वो मतलब कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से
मैं नहीं है, आदमी नहीं है। कहने का अर्थ इस लाइन से ये बताना चाहते हैं कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं है, मतलब नारी का गुण नहीं है, वो अच्छे तरीके से पुरुष नहीं है। मतलब उनमें सभी, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मान लीजिए कि पुरुष है तो उसमें नारी का गुण नहीं होना चाहिए, उसमें नारी का गुण होना चाहिए। मतलब स्पेशल इस लाइन से कहा जा रहा है। जो और देखिए, कोई भी लाइन एक्सप्लेनेशन लिखना रहता है तो हमको चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना रहता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। अगला जो हम पोएट्री वाला जो है उसका भी हम कराने वाले हैं, लेकिन उसका भी इसी टाइप से, उसका भी इसी टाइप से, उसमें भी क्या करना है, जैसे सबसे पहले चैप्टर लिखना है, चैप्टर नेम, फिर जो भी उसके लेखक हैं, यानी आप वहां कवि लिखिएगा, यहां लेखक लिखे वहां कवि लिखिएगा, उसमें कौन सा बड़ा चीज है, ठीक है। और तीसरा उस लाइन का मतलब लिख देना है, दैट्स ऑल। तो ठीक है, तो आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय।